अभी मैं खड़ा हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको एक ऐसे ट्रैक्टर के बारे में दिखाऊंगा, 265 महिंद्रा DI, डायरेक्ट इंजेक्शन DI का मतलब होता है, बहुत पुराना मॉडल है। कितने मॉडल है ये? 98 मॉडल है। इसका मतलब 22 ये और 24 साल का ये हो गया है, मतलब हमारी उम्र का ये ट्रैक्टर है, क्या बात है। तो अभी इसके बारे में चलिए समझ आइए, कुछ जानकारियाँ दीजिए, क्या खास चीज़ थी उस टाइम, अब कंपनी ने क्या चेंज कर दिया है, कुछ बताइए इसके बारे में। 200 कुछ चेंज कर दिया अब क्या? अब पहला नंबर तो ऑयल ब्रेक कर दी है ट्रैक्टर ने, ये अलग अलग का हाइड्रोलिक का ऑयल अलग रहता था, गियर बॉक्स का ऑयल अलग रहता था। अच्छा, बॉक्स के अंदर जो गियर है वो उसको भी चेंज कर दिया है। उसका फ़ायदा क्या हुआ अब? ब्रेक और मजबूत हो गई और पकड़ अधिक हो गई। अच्छा, हाइड्रोलिक का? हाइड्रोलिक ये शादी वाली है, पुराना मॉडल का था ये। अच्छा, हाईटेक हाइड्रोलिक आ गई है अभी, हाईटेक हाइड्रोलिक आ रही है। अच्छा, और क्या चेंज हुआ है, और क्या चेंजेस हुए हैं इसमें? क्लचेस में चेंज है, ये मैकेनिकल क्लच था। अच्छा, अभी इसको डायफ्राम कर दिए कंपनी, फिंगर वाला होगा? हाँ, ये फिंगर वाला है, तीन फिंगर रहते हैं, अभी तो डायफ्राम वाला हो गया है। फिंगर था शुरू शुरू में जो आया था, इसमें कार्बन सिस्टम था। अच्छा, और स्टेयरिंग में क्या चेंजेस हुए हैं? स्टेयरिंग तो लगभग ऐसे है, लेकिन अब ये पुरानी मॉडल थी, टेपर थी, अब 63 डिग्री की स्टेयरिंग आने लगी है। अच्छा, ऊंचाई बढ़ा दिए हैं, ये जो है 63 डिग्री। अच्छा, और ये यहाँ पे बताइए कि इंजन में वही सारा सिस्टम है, वही है, वही सिस्टम है सब। इसका फ्रंट एक्सल सपोर्ट दूसरे में लाता था, बोर वगैरह उतना ही है, बोर उतना है, स्ट्रोक भी उतना है, स्ट्रोक में फ़र्क होगा थोड़ा, स्ट्रोक में फ़र्क है। अच्छा, पिस्टन चेंज है इसका, पिस्टन चेंज रहता है पहले दूसरे। अच्छा, उसका बनावट चेंज है, बाकी बोर बराबर है। हाँ, लॉन्ग स्ट्रोक रहता था पिस्टन। अच्छा, और आयल की जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी है वही 6 लीटर वाला है, 6 लीटर किसमें भी है। कुछ गाड़ियाँ जो आई थी सन 2000 में, उसमें 7.5 लीटर पड़ता था। अभी ये बताइए कि इधर आइए, एयर क्लीनर के बारे में बताइए, क्या चेंजेस हुए इसमें? रेडिएटर देखिए, वो पहले पुराने मॉडल का लगता था, अब जो है उसका लगा दिए थे, दिखाई है, लेकिन इसमें पहले वाला लगता था पुराने मॉडल का रेडिएटर लगता था। अच्छा, एयर क्लीनर इसका क्या है, कुछ बदला है? नहीं, एयर क्लीनर सिस्टम वही है, टायर 12/4/28 का ही है, इतना सारी चीज़ें थी हैं। और डिफरेंशियल में? डिफरेंशियल लॉक है, अब डिफरेंशियल लॉक नहीं होता है।